किक ऑफ दिस सील संतोष सोरेन सर का। और इस तरीके से सेकेंड सेमीफाइनल मैच का भी अब शुरुआत हो गया है। शुरुआती समय में ही आप सभी को खेल से परिचित करवाने का प्रयास करूंगा। लाल और सफेद रंग की जर्सी में जो टीम आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड का पूर्वी छोर से एफसी डुमर घाटी टीम के खिलाड़ीगण हैं। और यह टीम अर्नेस्ट बरंडी का कैप्टनशिप में आज यह सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, जबकि सिकंदर हंसदा है गोलकीपर, 21 नंबर में डेविड मुर्मू 10 नंबर, मोतीलाल मरंडी 4 नंबर, संदीप हेम्ब्रम 6 नंबर, निकोलस हेम्ब्रम 8 नंबर, देवा मुर्मू 14 नंबर, चिंटू मुर्मू 16 नंबर, बबलू हंसदा 9 नंबर, धुमन सोरेन अतिरिक्त गोलकीपर है 1 नंबर में, अजय मुर्मू 12 नंबर और कुबरा हंसदा 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। वही अगर अपोनेंट टीम का सूची में अगर अपना आप नजर लगाए तो यहां से सोपन हेम्ब्रम का कैप्टनशिप में लकी जवाई टीम का जो आगमन हुआ है, राजू मुर्मू है गोलकीपर 1 नंबर में, रवि ब्रांडी 11 नंबर, महेश ब्रांडी 2 नंबर, नीरज मुर्मू 5 नंबर, नरेंद्र मुर्मू 8 नंबर, मरकुस मुर्मू 9 नंबर, सुधीराम सोरेन 10 नंबर, सोपन हेम्ब्रम 7 नंबर और लॉरेंस सोरेन है 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। बिरजू सोरेन सब्स्टिट्यूट बेस से 17 नंबर में और संतोष मुर्मू 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। तो ये था दोनों टीम का सूची और दोनों टीम यहां से एक तगड़ा मुकाबला को खेल रहे हैं। इस मैच में जो टीम जीतेगा उस टीम को बरहरवा टीम के साथ इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला उनको खेलना होगा। लेकिन आखिरकार इस मैच का परिणाम यहां पर अभी तक आया नहीं है। हालांकि यहां पर शुरुआती समय है, मैच शुरुआत होने के बाद का अगर समय का अगर आप चर्चा करें तो मात्र इस मैच का 2 ही मिनट अब हो चला है। अब तीसरा मिनट इस मुकाबले का प्रस्थान कर रही है। दोनों टीमों से अच्छे खेल का भ्रमण हुआ है। डूबर घाटी टीम को कई बार दफा में कई टूर्नामेंट में इनको देखा है, इसलिए वो मेरे जानकारी में बहुत ही अच्छा टीम है। जबकि पहली बार लकी जमाई टीम को मैं देख पा रहा हूँ इस ग्राउंड में, इनका भी खेल देख करके मैं भी बहुत ही आकर्षित हो गया हूँ। उनका खेल को मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस तरीके से मैं क्वार्टर राउंड का इसका मैच जो देखा था, क्वार्टर राउंड का मैच में भी बहुत ही तेज तरार मुकाबला जो खेला था अपोनेंट टीम के साथ। अपोनेंट टीम एफसी एक्सप्रेस त्रिशूल को 2-0 से हराया था जवाई टीम। वही अगर डुमर घाटी टीम का अगर आप बात करें तो पहला क्वार्टर राउंड का मैच में टाइब्रेकर में एफसी मुर्मू ब्रदर सारी पहाड़ी टीम को हरा करके वो सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिए हैं। तो ये था दोनों टीम का क्वार्टर राउंड से सेमीफाइनल में प्रवेश करने का जो इसका सफर। और फिर से यहाँ पर डेविड ने वहाँ पर अर्नेस्ट खेल गेंद को जरूर बढ़ाया था, लेकिन फिर से डेविड ही गेंद को जीत लिए थे। और शॉट जरूर आया था अर्नेस्ट जो टीम के कैप्टन है, लेकिन उसका शॉट में वो पावर नहीं था, वो पावर जनरेट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वहां पर बॉल जाएगी गोल लाइन से बाहर। और ऐसे में फिर से गलती करने के बाद थ्रो इन इस बार जीत लेंगे एफसी डुमर घाटी टीम। तगड़ा प्रयास चल रहा है दोनों टीमों की तरफ से, ये एक बहुत ही साफ सुथरा मैच। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के जो मुख्य संरक्षक हैं या इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष, यहाँ से रजेश दा को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा साहस और अपने आप में जो उनका मनोबल है वो ऊंचा रखा है। जो अभी पुलिस के जवान हैं, पुलिस के पद पर वो कार्यरत हैं हमारा देश को सेवा करने के लिए। और आज उनका देख रेख में, उनका अगुवाई में ये टूर्नामेंट जो आप देख पा रहे हैं, इसलिए
तेजस दा को भी धन्यवाद देते हैं, जबकि इतना सुंदर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना ये एक साधारण बात नहीं है, जबकि टूर्नामेंट को हर चीज को मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस टूर्नामेंट के जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, जितने भी इस क्लब के हर हफ्ते के कमिटीगण जो अपना अपना सहयोग अपना अपना क्षेत्र में काम में जो वो टूर्नामेंट को सफल बनाने हेतु जिस तरीके से अपना योगदान प्रस्तुत कल नहीं परसों से वो देते आ रहे हैं, उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं। और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल दिन में शरीक में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आए हुए इस अगल बगल से सभी माता बहनों को धन्यवाद और उनका भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कल और परसों शायद उनका आगमन नहीं हुआ था, क्योंकि कल और परसों मैंने भी यहाँ पर नहीं आया था और मेरे अनुमान में उनका भी शायद आना हुआ है आज ही। तो सभी माता बहनों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस टूर्नामेंट का मैच को देखने के लिए आपने भी अपना जो प्यार दिया है इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अगल बगल से आए हुए सभी फुटबॉल प्रेमियों को, क्योंकि लगातार 3 दिन जो टूर्नामेंट चली और धीरे धीरे अब अंतिम बिंदु की ओर ये टूर्नामेंट ये मैच जो प्रस्थान कर रही है, तो आखिरी समय में शरीक में सभी ऑडियंस को धन्यवाद। इस आदिवासी दीवाना क्लब लालचुआ प्लस बड़ा केंदवा इस क्लब की तरफ से, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट आप सभी का प्यार इस टूर्नामेंट को मिली है और जिसके बदौलत ये टूर्नामेंट अब यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने की कगार पर है। हालांकि ये सेकेंड सेमीफाइनल मैच है, इसके बाद भी बालिकाओं का 2 मैच आप देख पाएंगे। इस टूर्नामेंट का जो अगला मैच होगा गर्ल्स कैटेगरी का वो 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। तो मैं यही चाहूंगा इस मैच के समापन के बाद भी ऑडियंस आप आखिरी समय तक इस ग्राउंड के अगल बगल अपना सुविधा अनुसार जहां आपको उचित लगे जहां आपने बैठा है अपना अपना जगह में आप मैच का इंतजार करें। इस मैच के तुरंत बाद ही गर्ल्स टीम का मैच को देख पाएंगे। अच्छा बॉल दे दीजिएगा, अगला बॉल दीजिए। फाउल वहां पर जीत लेंगे डूमर घाटी, क्योंकि पीछे से वहां पर उसको धकेला गया था। डूमर घाटी टीम से मैं देख रहा हूं इस फर्स्ट हाफ का जो अब तक का समय में लगातार वो आक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लकी जवा टीम को वैसा उनको ऑप्शन नहीं मिला, उसको जगह नहीं मिला जहां से वो अपोनेंट टीम के अगेंस्ट में वो शॉट लगा पाए। ये होगा फाउल और फ्री किक इस बार एफसी डूमर घाटी टीम। फिर से डूमर घाटी टीम बोले जाने के ना वादो हैंड फाउल हुआ और बीते फ्री किक को जमा लकी जमा टीम। बॉल होने को पेनल्टी बॉक्स है, खिलाड़ी को तलारे का तालमेल का अभाव मिलने का गोल हुआ और बड़ा टीम रहा खिलोड़ रहा स्पीड जल में बैठे जल रहा लोकी जवा टीम हो पूरा जोर को लगा था
एंते जी तबिया समय रे डुबर घटी टीम अडे मा शॉट्स को ट्राई कर गया मेंता नोकाना शॉट नी तबिया उठी लगा टारगेट रे और लुकी जवाई टीम से कौन नी तबी नवा खिलाड़ रे अंकना शॉट्स अंकना खिलाड़ हरे को तो सुधार हमेशा जी तबी दोनों को आपको बंचार या खिलाड़ की नेल करना मेंता नोका तो अटैकिंग लगी थी तो अंकना लहा से बॉल इधर आ चांस होकर आई तभी और को जाम मेंसा फिलहाल देखो दिया हुआ आप पहला शॉट सुनीराम सोरेन कॉर्नर की के बाद फिर से वहां पर गेंद पाके बढ़ाया गया था अच्छा ड्रिबलिंग लेकिन फिर से आदर्श के वहां पर मौका बन सकता है गोल करने के लिए एक खेल को बीट करने के बाद फिर से वहां पर प्लेस को चेंज किया गया पर गोल होगा क्या डुमर का टीम लेकिन वहां पर खतरा फैल गया है अगला प्रयास होगा जी नहीं वहां पर कोई खतरा नहीं अच्छा तालमेल लेकिन वहां पर बहुत ही मुश्किल अवस्था से अब बस कर चल रहा है लड़की जवा टीम लगातार आक्रमण करते जा रहे हैं डुमर घाटी और यहां पर भी इस बार गोल नहीं हुआ है अच्छा ले नेहरवा तीनों दो निजल बुहा का सोका तो का ग्राउंड बुहा तो बना पिया ये तो बड़ा एक नदी है माहौर जंगा पे परोप जानते हैं आसोका तो का हरियर की पट्टी बु नेले का ने नेहर वापे थे ओना को जंगा बु टाइनम जोगा तेते सेमी फाइनल मैच करा ओडे उका तो सहायक रेफरी उका तो बना का बु नेले में पा ग्राउंड रे उका बु नेले में गेम नवा उत्तर आ द तीन खारे जमो नो किन होना मोई तो ना लाइन तीन जेलाम चोडे को किन हो सही फैसला की मैम ओना इतेले नेहर वा कम से कम आपे आपे होदिस तेकी जगह खरा पे टाइम तबुना अंदर आपे हो नवा टूर्नामेंट में हिस्सा करना पे आपे को गौरवनीय तिगी नवा टूर्नामेंट में सफल बिना वा कताई को बिना भी टूर्नामेंट भी बार बार नवा मामला तो बांध करना बीच को सेटर कान चाहे तो खिलाड़ी कान से चाहे तो नियल लगे भाई कान जो तो कुआ कान दिया ना थे बीबी उसका कभी कान उसका अपना से तो हुई लगती कान जब उन्हें करो बुन गरों माँ उन्हें तो चलकर जंगल पे तामियो तो पुनः जमान आसो का तेरे फिर बाको दिक्कत हो से आपे हो जब उन बापे बजा जमो डुमर घटी उन्हें कोई बोल नियाम लेता गोल रिया चांस यंग कथा लिखा है पता डुमर घटी टीम को नियाम दिए कान गया आरे तो हम समय कोई की मुखवा जस्ती उखा तो ऑफ टारगेट शॉट चलाओ करना ऑन टारगेट रेडी कॉम गया हालांकि आक्रमण से उखा तो अटैक तो अटकी बेहतर गया और ये तभी जो हमारे जाना परिणाम बाव में गान उन्हें ऑफ साइड लिखा चुका डुमर घटी टीम ऐसे लहार की उन्हें ऑफ रे ताहिया मिला और माल कहते हैं उन्हें पाई बाद और इनडायरेक्ट फिजी को जामा लुकी जवाई टीम पहला हाफ रिया खिलोड़ करा तो कोई चाहे टीम वहाँ मैच दरया बुनियला उन्हें तो उठते भी ले जाए
तो बना टीम रे आपका खिलोड टेक्निक अटकी बढ़िया गया और सरहाबिन चाले आपका तो बबू लली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे नका तो ऑनर तरह ने हम नेल दिया पसे जितो उनी तो ओंडे बनुया नेले तरह जनवा बबू लली यूट्यूब चैनल का तो नवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का दोबारा ऑपरेटर थी ये लमे कना टेक्निकल स्टाफ ओंडे मैच कवरेज कना उनी हो सराबे चाले तुआ और जहां की नवा बबू लली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बापे सब्सक्राइब का तापे पे सब्सक्राइब रेवा और नौका के नवा ग्राउंड मत दबा बीच को चले जाड़े बैठे नवा के लिए हरवा जब मन हलो पे किलोड़ा राब दो और नुंडा को का बनारगी सात नंबर नते पे अर्नेस बरंडी और नते को सात नंबर है थाकना सोपन हेम्रम अदो सोपन हो अडी मज परिचय एम किदा हालांकि उनी बुझौदा पसे उंडे अर्नेस सुला उंडे तकलीफ जो किदिया उंडे बेंदा इंदो बॉलिंग गदुए का तन उतर गया हम का बजाओ जामना बेंका बीटे उका तनवा भागी गुण जल जामना का उंडे सोपन थे जे आनंद दाल थपा ने बीन हो जहां दिक्कत तो बांक ना एंटर मिस्टेक बा हुई ना और मार करते अपार गलती एहसास करते नवा मैच रे जस्ती लफड़ा बा बिना हुआ तो यही एक सबसे बड़ा चीज होता है जब कभी भी अपोनेंट टीम को चोट ना पहुंचाने का इरादे से आपका जो इंटेंस होगा होगा यहां पर और ये होगा बेहतरीन फिनिशिंग और इस तरीके से धूमर घाटी टीम की तरफ से भी पहला गोल स्कोर हो गया है इस टूर्नामेंट का सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबले में तकरीबन 17 मिनट के अंदर ये पहला गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी अपना टीम के निकोला संग्रम अच्छा तालमेल बना था और अभी भी समय है लुक्की जमाई टीम के पास बस आपको प्रयास करना होगा आपको और ज्यादा प्रयास करना होगा और आपने जो सपना देखा है आपका जो सोच है कि मैं इस मैच को जीतूंगा तो आप निश्चित ही आप प्रयास करें तो निश्चित ही आपका सफलता आप प्राप्त कर लेंगे सपना आपने देखा जरूर है लेकिन आपको अपना सपना के पीछे भागना होगा कहते हैं कि दुनिया में सफल होने के लिए सबसे पहला चीज है आपको एक सपना देखना होगा आपको रणनीति बनाना होगा प्लानिंग करना होगा और उसके अनुसार समय भी अब धीरे धीरे निकलती जा रही है तो यहाँ पर मैंने चर्चा कर रहा था कि आप एक सपना देखें और अपना सपना को देख करके आप आगे बढ़ते चले जाएं। कहते हैं कि सपना उन्हीं के सच होती है जिनके सपनों में जान होती है सपना उन्हीं के सच होती है जिनके सपनों में जान होती है भीड़ से वैसा पुकारा जाए तो मेरा जो विश्वास है भगवान भी सुनते हैं और मुझे लग रहा है धीरे धीरे शायद बारिश भी अब ना होने का संभावना है मैं यही कामना करूंगा आज का मैच बेहतर संपन्न हो लेकिन फिलहाल दोनों टीम इस समय मैच को जीतने का प्रयास कर रहा है फिर से यहाँ पर डुमर घाटी टीम अर्नेस बरंडी टीम कैप्टन वहां पर शॉट लेने की तैयारी कर रहा है बॉल को डीप में जाना जरूर है लेकिन यहाँ पर फिर से अगला गोल होगा जी हाँ यहाँ से भी एक सुपर गोल और वह भी टीम कैप्टन अर्नेस बरंडी का असिस्ट में शानदार गोल हो गया है सेकेंड गोल होगा चिंटू मुर्मू 16 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी और अर्नेस का असिस्ट में सिंधु के नाम एक गोल और इस तरीके से यहां पर 2-0 का मजबूत पकड़ बना रहे हैं एफसी डुमर घाटी और इस मैच में अगर आप समय का चर्चा करें 12 मिनट होकर के 13वां मिनट प्रस्थान कर रहे हैं कहने का मतलब अभी भी कुछ समय अब लकी जवाई टीम का हाथ में इस टूर्नामेंट का जो सेकेंड सेमीफाइनल मैच का जो रेगुलेशन टाइम का जो समय है वो अभी भी कुछ शेष रह गया है बस उनको यहाँ पर प्रयास करना होगा
नुडे तो एक कुरुमटूर या लक्ष्मी बिना लुखी जमाए टीम हालांकि बार गोल हुई कि जुदा कथा करना और उका तो इधर नहीं बैंक के लगा ग्राउंड रे उका पूरब लखा रे रे था नवा थोड़ा ग्राउंड लतार ने हो गया तो नाते तो उका तो खिलाड़ी को शॉट लिखा बॉल पोस्ट पे उन्हें उन्हें गोलकीपर ने उसेरा भाई अंदाजा एंटर नाते तो जीता ने हो गया और उन्हें लगा था जनी पसे गोलकीपर सरगी भाई अंदाज लेता और शॉट रहा उन्हें भी तगड़ा पावर उन्हें लगा लगा है सिंटू मुर्मू उका तो उन्हें कोई अर्नेस्ट बरांडी लेगा लिखा आउट कोई बॉल उन्हें तलाल दा और उन्हें लगा था वहाँ दूसरा गोल हुई करना तो टूर्नामेंट रहे बना हुआ तहन लगी लकी जमा थी बारह भी टांग गोल हुई थे बढ़िया गोल हुआ हुई थे तो फिर तो मैच बड़ा बढ़िया यहाँ पर गेंद फिर से आगे सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी क्रम में एफसी दुबर घाटी टीम धीरे धीरे यहाँ पर फिर से 10 नंबर जर्सी पहने खड़े जमा टीम से अगला प्रयास इस बार रवि मरंडी और इस सेमीफाइनल मैच में मैं देख पा रहा हूँ रवि मरंडी का वो परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है क्योंकि अपोनेंट टीम लगातार उसके ऊपर मैच पर ज़्यादा वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आखिरकार फिर यहाँ पर 8 नंबर जर्सी पहने खड़ी और यहाँ पर भी होगा शॉट तो बहुत ही तेज तरार शॉट लगाया था निकोलस हेम्ब्रम और इसमें वैसा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं अपना टीम के लिए अपना टीम का अपोनेंट टीम के लिए इसी के बीच यहां से अर्नेस्ट फिर से अर्नेस्ट का शॉट गोलकीपर के समक्ष वन बाउंस और एंड वक्त में एक इजी सा कलेक्शन लकी जमा टीम के गोलकीपर राजा मुर्मू बेंच पर ज्यादा वो अपोनेंट टीम पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं दुबल घाटी ये होगा एक फाउल इस बार फ्री की करने के लिए लोकी जवा टीम देखा तो जवा टीम बड़े मुश्किल में मिला हुआ कथाई को बना मेहर रे भड़ाव हराव लन खान तो अडी मरा पोजीशन डाउन हो अडी मरा मान सम्मान रे कथा कना इज्जत अडी डाउन है केवा मेन खान नोटे पे का तो लखी जवाई टीम छेल कना क्लब मा मैच को दोगा तो का तो लखी जवाई टीम रे कुकू तो है कना जे अपगुन दाड़ी लन खान जे कम से कम मेहर रे कना या तो मेहर रे कम से कम जील तो दूर पड़ा गया अब यहाँ सा कम से कम हरावा जितो तो तहन के बनखान जील दो तो कदम पे नवारे बाबुन कंजूसिया हर नीथो समय में आ गया खेल रखवा पोजीशन नोडे बरकात होए लगी लोकी जवान टीम अभी भी कुछ समय इस मुकाबले में शेष रह गया है मात्र 15 मिनट हो गया है इस टूर्नामेंट का ये लास्ट सेमीफाइनल मैच जो आप देख पा रहे हैं इट्स लास्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट द टीम्स हु आर प्लेइंग इन व्हाइट एंड रेड कलर जर्सी आर द प्लेयर ऑफ एफसी डुमर घाटी एंड द अपोनेंट टीम येलो एंड ब्लू कलर जर्सी प्लेइंग फ्रॉम वेस्ट एंड द टीम विच इज अटैकिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दे आर द प्लेयर ऑफ आई एम सो सॉरी द टीम विच इज अटैकिंग इन दिस वेरी सेकेंड हाफ मैच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे आर द प्लेयर ऑफ लकी जवाई टीम टू गोल्स हैव बीन स्कोर्ड फ्रॉम एफसी डुमर घाटी एंड द फर्स्ट स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ दिस सेकेंड सेमी फाइनल मैच इज निकोलस हेम्ब्रम एंड अनदर गोल हैज कम फ्रॉम सिंटू मुर्मू इन द असिस्ट ऑफ अर्नेस्ट मरांडी द टीम कैप्टन ऑफ एफसी डुमर घाटी टीम सो लेट्स सी द एंड प्रोडक्ट विल not be proclaimed yet because it's everything the result of this tournament of this match is in the hand of this match referee Santosh sir unless or until the full time whistle will be given by him yet we can't say that the particular team is going to win this match but once I want to remember let you remember that the winner prize of this handball football championship which is organized by Adivasi Dibana Club Lalchwa plus Bada Chindwa
The winner prize of this tournament is 30,000 rupees and the runner up prize of this tournament is 25,000 rupees and the consolation prize is only 6,000 rupees. So you can imagine the difference between the prize money. Prize money, you know, 30,000 and 25,000. The teams which will lose this match will get only 6,000 and the winner team of this match will set worth 25,000 rupees. So it's a huge prize and both the teams are trying to win this important match and we know that in whole tournament semi-final match will be the semi-final match is one of the most winning game because all the players have to try in this tournament to win, you know, this semi-final. That is why it is considered as one of the important match. So audience present over this ground have come from different places to watch this match. You are once again. I want to give to all the audience a lot of thanks on behalf of Adivasi Diwana Club Lal Chua plus Bada Khedwa because you have been attending the tournament from last 2 days. It's the final day and I think almost this tournament is about to an end because this is the last semi-final match from boys category. So the upcoming match of this tournament will be